नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं भोजपुरी की ताजा खबरें फटाफट अंदाज में। पहली खबर है दोस्तों भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ की तरफ से, जिनकी पुरानी फिल्म निरहुआ सटल रहे को पुनर्जन्म फिल्म के नाम से भोजपुरी मूवी यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है। और यह फिल्म लगातार दो दिनों से यूट्यूब के ट्रेंडिंग पेज पर ट्रेंड कर रही है दोस्तों, और आज यह फिल्म यूट्यूब के ट्रेंडिंग पेज पर 7वें नंबर पर ट्रेंड कर रही है। दूसरी खबर है दोस्तों भोजपुरी के सिंगर और एक्टर गुंजन सिंह की तरफ से, जिनका एक वीडियो गाना जिसका नाम है इंग्लिश बोलना मना है, फुल वीडियो सॉन्ग यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया है, जिसे आप लोग वे म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं दोस्तों। तीसरी खबर है दोस्तों प्रदीप पांडे चिंटू जी की तरफ से, जिनकी फिल्म नायक के ट्रेलर को आप लोगों के बीच बहुत ही जल्दी 12 अप्रैल को शाम 4 बजे इंटरटेन म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया जाएगा। नायक फिल्म के लीड रोल में आप लोगों को प्रदीप पांडे उर्फ चिंटू जी और उनके अपोजिट नायिका के रोल में तेलुगु की चर्चित अदाकारा पावनी नजर आएंगी, जिनकी यह पहली भोजपुरी फिल्म है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए चिंटू जी की फिल्म नायक के ट्रेलर को देखने के लिए। चौथी खबर है दोस्तों ऋषभ कश्यप गोलू जी की तरफ से, जिनकी फिल्म दुल्हन हम ले जाएंगे का पहला ऑडियो गाना जिसका नाम है सोना के झुमकवा, फुल ऑडियो सॉन्ग यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया है दोस्तों, जिसे आप लोग वे म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। पांचवी खबर है दोस्तों भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी की तरफ से, जिनके चैता गाने को जिसका नाम है गेहूं काटे के नई खेल लूर बलम, विनर भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है। यह गाना लगातार दो दिनों से यूट्यूब के ट्रेंडिंग पेज पर ट्रेंड कर रहा है दोस्तों। इस गाने को 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से भी ज्यादा बार यूट्यूब पर देखा जा चुका है, और यह गाना यूट्यूब के ट्रेंडिंग पेज पर 14वें नंबर पर ट्रेंड कर रहा है दोस्तों। छठवीं खबर है दोस्तों भोजपुरी के सिंगर अजीत आनंद जी की तरफ से, जिनका एक वीडियो गाना जिसका नाम है फेसबुक पर लाइव है जयमाल में यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया है, जिसे आप लोग वे म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं दोस्तों। सातवीं खबर है दोस्तों भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी की तरफ से, जिनके बारे में अफवाह फैलाई जा रही है कि खेसारी लाल यादव राजनीति ज्वाइन कर लिए हैं और चुनाव लड़ेंगे। इस पर खेसारी लाल यादव के करीबी दोस्त प्रणव जी ने एक पोस्ट के माध्यम से बताया है कि खेसारी लाल यादव के राजनीति पार्टी ज्वाइन करने की बात एकदम गलत है। खेसारी लाल यादव अपने कलाकार के जीवन से बहुत ही खुश हैं, उन्हें अपना फिल्मी जीवन बहुत ही पसंद है और वह कभी भी किसी भी दल से चुनाव नहीं लड़ेंगे। आठवीं खबर है दोस्तों भोजपुरी के सिंगर और एक्टर राकेश मिश्रा जी की तरफ से, जिन्होंने वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड यूट्यूब चैनल को साइन कर लिया है और अब उनके जो भी एल्बम गाने आएंगे वह केवल वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड चैनल पर ही रिलीज किया जाएगा। नौवीं खबर है दोस्तों पावर स्टार पवन सिंह और जुबली स्टार दिनेश लाल यादव की तरफ से, जिनकी पुरानी सुपरहिट फिल्म प्रतिज्ञा को विनर्स भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है। अगर दोस्तों आप लोगों ने प्रतिज्ञा फिल्म को नहीं देखा है तो विनर्स भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दसवीं खबर है दोस्तों भोजपुरी के सिंगर दीपक दिलदार की तरफ से, जिनका एक वीडियो गाना जिसका नाम है राजा माजा मरला, फुल वीडियो सॉन्ग यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया है, जिसे आप लोग वे म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को आज की ताजा खबर कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, और इसी तरह की चटपटी खबरों की डेली अपडेट के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।